प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों के मन से हिचकिचाहट दूर करने और इससे जुड़ी अफवाह को लेकर मन की बात कार्यक्रम में लोगों को वैक्सीन से न डरने और आगे आकर वैक्सीनेशन करवाने की अपील की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के डुलारिया गांव के रहने वाले किशोरी लाल ध्रुवे से बात की। पीएम मोदी ने चर्चा के दौरान किशोरी लाल ध्रुवे ने बताया कि टीका को लेकर उनके गांव में काफी भ्रम फैला हुआ है कि इससे बुखार आता है और मौत तक हो जाती है। पीएम मोदी ने समझाया कि टीका विश्व के अनेकों वैज्ञानिकों की दिन रात की मेहनत के बाद बनाया गया है जो पूर्ण रूप से सुरक्षित है, लिहाजा बिना किसी भ्रम के टीका लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। हेलो सर, नमस्कार। नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं? मेरा नाम है किशोरी लाल दुर्वे। तो किशोरी लाल जी, अभी राजेश जी से बात हो रही थी जी सर, और वो तो बड़े दुखी होकर के भी बता रहे थे कि वैक्सीन को लेकर लोग अलग अलग बातें करते हैं जी। आपने भी ऐसा सुना है क्या? हाँ सुना तो हूँ सर। वैसा क्या सुना है? क्योंकि है सर, ये पास में महाराष्ट्र आया थे, उधर से कुछ रिश्तेदारी से जुड़े लोग, मतलब कुछ अफवाह फैला थे कि वैक्सीन लगने से लोग मर रहे, कोई बीमार हो रहे, इस तरह लोगों के पास ज्यादा भ्रम है सर, इसलिए नहीं ले रहे। नहीं, कहते क्या है, अब कोरोना चला गया, ऐसा कहते हैं जी, कोरोना से कुछ नहीं होता, ऐसा कहते हैं? नहीं, कोरोना चला गया नहीं बोलते सर, कोरोना तो है बोलते, लेकिन वैक्सीन जो लेते हैं उससे मतलब बीमारी हो रहे और मर रहे, ये स्थिति बताते सर वो। अच्छा, वैक्सीन के कारण मर रहे हैं? अपना क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है सर, ऐसे भी लोग इसमें जल्दी डरते हैं जो भ्रम फैला देते, इस कारण से मतलब लोग नहीं ले रहे सर वैक्सीन। देखिए किशोर लाल जी, सर ये अफवाहें फैलाने वाले लोग तो अफवाहें फैलाते रहेंगे, जी हमें तो जिंदगी बचानी है, अपने गांव वालों को बचाना है, अपने देशवासियों को बचाना है। और ये अगर कोई कहता है कि कोरोना चला गया तो ये भ्रम में मत रहिए, जी ये बीमारी ऐसी है, ये बहुरूपी वाली है, जी सर, वो रूप बदलती है, नए नए रंग रूप करके पहुंच जाती है। जी और उसमें बचने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। एक तो कोरोना के लिए जो प्रोटोकॉल बना है, मास्क पहनना, साबुन से बार बार हाथ धोना, दूरी बनाए रखना, और दूसरा रास्ता है इसके साथ साथ वैक्सीन का टीका लगवाना, वो भी एक अच्छा सुरक्षा कवच है, तो उसकी चिंता करिए जी। अच्छा किशोरलाल जी, ये बताइए जी सर, जब लोग आपसे बातें करते तो आप कैसे समझाते हैं लोगों को? आप समझाने का काम करते हैं कि आप भी अफवाह में आ जाते हैं? समझाए क्या, वो लोग ज्यादा हो जाते सर, तो हम भी भयभीत में आ जाते ना सर। देखिए किशोरलाल जी, मेरी आपसे बात हुई है, आज आप मेरे साथी हैं जी सर, आपको डरना नहीं है और लोगों के डर को भी निकालना है, निकालोगे? जी निकालेंगे सर, लोगों के डर को भी निकालेंगे सर, मैं स्वयं भी खुद लगाऊ। देखिए अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें जी, आप जानते हैं हमारे वैज्ञानिकों ने कितनी मेहनत करके वैक्सीन बनाई है जी सर, साल भर रात दिन इतने बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने काम किया है, और इसलिए हमें विज्ञान पे भरोसा करना चाहिए, वैज्ञानिकों पर भरोसा करना चाहिए, और ये झूठ फैलाने वाले लोगों को बार बार समझाना चाहिए कि देखिए भाई ऐसा नहीं होता है, इतने लोगों ने वैक्सीन ले लिया है, कुछ नहीं होता है जी, और अफवाहों से बहुत बच करके रहना चाहिए, गांव को भी बचाना चाहिए जी। और राजेश जी, किशोर लाल जी, आप जैसे साथियों को तो मैं कहूंगा कि आप अपने ही गांव में नहीं और गांवों में भी इन अफवाहों को रोकने का काम कीजिए और लोगों को बताइए मेरे से बात हुई है जी सर, बता दीजिए, मेरा नाम बता दीजिए। बताएंगे सर, समझाएंगे लोगों को और स्वयं भी लेंगे। देखिए आपके पूरे गांव को मेरी तरफ से शुभकामनाएं दीजिए जी सर, और सभी से कहिए कि जब भी अपना नंबर आए जी वैक्सीन जरूर लगवाएं। ठीक है सर, मैं चाहूंगा कि गांव की महिलाओं को, हमारी माताओं बहनों को जी सर, इस काम में ज्यादा से ज्यादा जोड़िए और सक्रियता के साथ उनको साथ रखिए जी। कभी कभी माताएं बहनें बात कहती है ना, लोग जल्दी मान जाते हैं जी। आपके गांव में जब टीकाकरण पूरा हो जाए तो मुझे बताएंगे आप? हाँ बताएंगे सर, पक्का बताएंगे जी। देखिए मैं इंतजार करूंगा आपकी चिट्ठी का जी सर। चलिए राजेश जी, किशोर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करने का मौका मिला। धन्यवाद सर, आपने हम बात किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।